का न्यू वीडियो में जैसा कि मेडिकल का अपडेट मैं इस वीडियो में दूंगा सबके बारे में, सीआरपीएफ मुजफ्फरपुर हो, एसएसपी अररिया हो, बीएसएफ किशनगंज हो, सबके बारे में जो भी इन्फॉर्मेशन मुझे आज 21 जुलाई तक मिला है मैं आपको इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में देने वाला हूँ। ठीक है, मेरा इन्फॉर्मेशन बच्चों के थ्रू ही हमको भेजा गया है और मिला है, तो मैं आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ठीक है, तो पहले हम लोग एसएसबी मुजफ्फरपुर के बारे में देख लेते हैं इस वीडियो में कि क्या क्या हुआ। देखिए, एसएसबी मुजफ्फरपुर है, उसका 17 जुलाई का रिजल्ट दे दिया है, सबका नहीं दिया है भाई। ठीक है, सबका रिजल्ट नहीं दिया है, चार बोर्ड बना था, सिर्फ दो ही बोर्ड का रिजल्ट दिया है और दो का रिजल्ट के लिए आज 21 जुलाई को बुलाया है। कितना बजे? 2:30 बजे से रिजल्ट देगा, 1:30 बजे बुलाया है। ठीक है, तो इस बात को याद रखेगा, 17 जुलाई वाले को दो बोर्ड का रिजल्ट दिया है जिसमें से 20 में से 13 पास है, एक बोर्ड में, दूसरे में से 20 में से 12-13 पास है। इसका एग्जैक्ट डाटा नहीं है, लेकिन लड़का जो वहां गया था जिसका मेडिकल फिट हो गया वो हमको बता रहा था कि 12 से 13 लड़का पास है उस बोर्ड में भी। और आपको टेलीग्राम ग्रुप में भी वो लड़का बहुत आप लोगों का हेल्प किया है, टेलीग्राम से जुड़े होंगे तो आपको पता होगा, ऑडियो कॉल के माध्यम से, मैसेज की रिप्लाई से बहुत हेल्प आपको हुआ है टेलीग्राम ग्रुप से। ठीक है, लड़की की बात करें तो कल रात को रिजल्ट दिया लड़की को, 7-8 बजे के लगभग में रिजल्ट दिया लड़की को, जिसमें से 24 में से 7 ही लड़की फिट है। ठीक है, बहुत को यूरिन में रीमेडिकल दिया है और कुछ कुछ पॉइंट होगा उसमें रीमेडिकल दिया है 17 जुलाई वालों को। ठीक है, 18 जुलाई वालों की बात करें हम, तो 18 जुलाई का जिसका भी रिजल्ट है आज बुलाया है उसको रिजल्ट देने के लिए। ठीक है, तो उम्मीद है कि आज रिजल्ट 17 जुलाई वाला का जो बोर्ड बचा है उनका और 18 जुलाई का जो भी रिजल्ट है आज उनको दे देना चाहिए। ठीक है, और जो भी ऐसे ही जो देखिए 19 वाला गए हैं तो बस उनका क्या हुआ है, उनका मेडिकल भी हो गया है उनका। देखिए, पहले आपका डीबी और यूरिन, एक्सरे और ब्लड एक दिन में हो जा रहा है आपका। ठीक है, उसके दूसरे दिन मेडिकल हो जा रहा है और 3 से 4 दिन लगा दे रहे हैं रिजल्ट देने में, यही प्रोसेस आपका भाई आगे चल रहा है। ठीक है, आज 21 वाले बच्चे गए हैं, इनका भी आज सेम होगा, डीबी यूरिन और ब्लड ये हो जाएगा, उसके एक दिन बाद रिजल्ट। और देखिए अब रिजल्ट कब सुनाता है, रिजल्ट क्यों सुनाने में इतना देर क्यों कर रहे हैं, ये तो पहुँच से ऊपर है, मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है चीज में। ठीक है, आप इतना देख लीजिएगा। अब हम लोग बात करते हैं सीआरपीएफ मुजफ्फरपुर के बारे में। देखिए, सीआरपीएफ मुजफ्फरपुर की बात करें तो देखिए 125 लड़का बुला रहा है तो आपको पता होगा, 17 जुलाई को 100 में से मात्र 38 बच्चे को ही पास किया है, याद रखिएगा। सीआरपीएफ मुजफ्फरपुर 17 जुलाई को 100 में से 38 बच्चे को ही पास किया है। ठीक है, लड़की की बात करें तो 25 में से 5 को ही पास किया है, बाकी को रीमेडिकल दिया है और रीमेडिकल उसके अगले दिन ही है। ठीक है, 17 जुलाई वाले को रिजल्ट सुनाया गया आपको 19 जुलाई को। ठीक है, और 19 जुलाई के लिए 20 जुलाई को ही आपको रेमेडिकल का डेट दिया गया है इसी सेंटर पे, आपको दूसरे सेंटर पे जाने की जरूरत नहीं है, जहां आपका मेडिकल हो रहा है वहीं आपका रीमेडिकल भी होगा, ये सब सेंटर के लिए लागू है। ठीक है, तो 17 जुलाई को आपको पता चल गया 100 में से 38 लड़के पास और लड़कियाँ 25 में से 5 पास हुई है और इनका रिजल्ट 19 को आया था 19 जुलाई को और 20 जुलाई को इनका रीमेडिकल हो गया है और रीमेडिकल का भी इनका 17 का जिनका रीमेडिकल है उनको 21 जुलाई मतलब कि आज इनका रिजल्ट देगा। देखिए 20 जुलाई को बुलाया था रिजल्ट देने के लिए रीमेडिकल वाले को, लेकिन दिया नहीं। ठीक है, अब बात करें 18 जुलाई वाले को, 18 जुलाई वाले का भी मेडिकल कंप्लीट है और आज 21 जुलाई को इनका रिजल्ट देगा सीआरपीएफ मुजफ्फरपुर में। ठीक है, 19 का क्या हुआ, 20 का क्या हुआ, मैं बात बता दूं। देखिए यहाँ पे क्या सीन चल रहा है, आपका सीधे आपका मेडिकल के लिए बुलाए, पहला दिन में डीबी और मेडिकल का कुछ पार्ट हो जा रहा है और दूसरा दिन मेडिकल कंप्लीट हो जा रहा है और तीसरा दिन को रिजल्ट देना चाहिए, लेकिन रिजल्ट में ये देर कर रहे हैं, अब पता नहीं क्यों देर कर रहे हैं यही जाने, लेकिन आज उम्मीद है कि 18 जुलाई वाला का रिजल्ट दे देगा और 17 के रीमेडिकल का रिजल्ट दे देगा और रात तक 19 वाले को भी रिजल्ट देना चाहिए, लेकिन देखिए आगे जो भी होगा मैं आपको अपडेट करता रहूँगा। ठीक है, हम लोग एक और चीज़ देख लेते हैं, बहुत सारे बच्चों का हमारे पास डाउट आ रहा था क्रूशियल डेट के बारे में, ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट के बारे में और ओबीसी मैनेजर लग रहा है कि नहीं लग रहा है उसके बारे में, मैं आपको क्लियर कर दूं, क्रूशियल डेट का कोई भी सेंटर पे बिहार का कोई भी इशू नहीं होगा, क्योंकि देखिए 70% स्टूडेंट वही है जो न्यू डेट लेके जा रहे हैं, तो इसीलिए इस क्रूशियल डेट का झंझट ही खत्म हो चुका है। ठीक है, क्रूशियल नया डॉक्यूमेंट हो पुराना डॉक्यूमेंट हो कोई दिक्कत नहीं है, आप जमा कीजिए कोई दिक्कत नहीं है, आपको जनरल में नहीं भेजेगा, आपको पास कर देगा डिग्री में। ठीक है, और देखिए एसएसबी के सेंटर है या मुकामा का सेंटर है, जहां का भी सेंटर, सीआरपीएफ सेंटर है, ग्रेजुएशन मांग ही नहीं रहा भाई, 10th का ही मांग ही रहा है सिर्फ, ना 12th ले रहा है ना ग्रेजुएशन ले रहा है, तो ये बहुत अच्छी बात है जिनके लिए सर, जिनका ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट नहीं था, मेरे पास बहुत कमेंट है कि भैया ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट नहीं निकल पाया है, सिर्फ उसका प्रोविजनल ही है, तो भाई आपको टेंशन लेने की जरूरत भी नहीं है। ठीक है, ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट मांग ही नहीं रहा है। ठीक है, 10th है, कन्फर्म चलेगा।
बहुत लोग का डाउट था कि ओबीसी का क्या हो रहा है, तो क्रूशियल लेट का इशू नहीं है बता दिया मैंने। और ओबीसी वालों भाई आपका ओबीसी का अनेक्जर ले रहा है वहाँ पे, ठीक है। मोकामा में भी लड़का से बात हुआ और एसएसबी में बात हुआ, ओबीसी का अनेक्जर मांग रहा है, तो आपके लिए ओबीसी का जो अनेक्जर है वो ज़रूरी है, तो आप लोग बनवा लीजिएगा। देखिए और भी बहुत कैंडिडेट का थोड़ा सा मैसेज आ रहा था ओवरवेट को लेकर। देखिए एसएसबी में एक लड़का को अंडरवेट में, उसका 1.5 kg वेट कम था तो उसको रीमेडिकल दिया है, ओवरवेट में अभी तक किसी लड़का को रीमेडिकल नहीं दिया है। आगे अगर ऐसा होगा तो मैं आपको सूचना दूंगा, ठीक है, लेकिन अभी तक ऐसा नहीं हुआ है, ठीक है। हम लोग बात कर लेते हैं अररिया और किशनगंज के बारे में, ठीक है। मुझे अररिया और किशनगंज वाले स्टूडेंट से आग्रह है कि अपना जो भी डाटा हो आप मेडिकल देके आए हैं थोड़ा ग्रुप में शेयर कर दीजिए। अगर आप शेयर कीजिएगा तो आप ही के भाई लोग हैं जिनका हेल्प होगा, ठीक है, और हेल्प करिएगा तो मेरिट बनेगा, इतना याद रखिएगा। जिनको मेरिट में डाउट है ना वो हेल्प करिए, हेल्प करने से मेरिट बनता है, ठीक है। थोड़ा हेल्प कर दिया कीजिए, कोई मैसेज ही नहीं कर रहा है ग्रुप में, इतना सारे बच्चे जुड़े हुए थे अररिया और किशनगंज का और कोई मैसेज ही नहीं करता है, मतलब तो समझ ही नहीं आ रहा है, किसी को कुछ पता ही नहीं चल रहा है कि हो क्या रहा है, तो थोड़ा आप लोग हेल्प किया कीजिए एक दूसरे का, ठीक है। अगर मुझे जितना जानकारी मिला है ग्रुप के वजह से और यूट्यूब कमेंट की वजह से, तो देखिए ये मैं कन्फर्म नहीं हूँ, किसी से बात नहीं हुआ है, ग्रुप में जो मैसेज आया है और जो कमेंट आए हैं यूट्यूब पे उसके अनुसार मैं आपको बता रहा हूँ। 17 जुलाई का रिजल्ट दिया है अररिया में, 100 में से 29 पास हैं, ठीक है, और 4 दिन में रिजल्ट दे रहा है। 17 जुलाई वालों को 20 जुलाई को रिजल्ट दिया है, ठीक है। इस तरह से थोड़ा मेडिकल इसका हो रहा है, 4 दिन में रिजल्ट लगा दे रहा है देने में, ठीक है। जो भी भाई कमेंट अररिया के होंगे नीचे वीडियो के नीचे कमेंट करेंगे क्या सही बात है या गलत बात है, कन्फर्म करिएगा हमको, ठीक है। अब हम बीएसएफ किशनगंज की बात करें, देखिए यहाँ पे तो एकदम में नहीं समझ में आ रहा है कि लड़का सब कितना सारा गया है, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहा है। भाई थोड़ा शेयर कीजिए, आपके भाई लोग का हेल्प होगा, ठीक है। तो बीएसएफ किशनगंज में जहाँ तक पता चला है, इस डाटा को मैं सही नहीं बोलूँगा, आपको मैं प्रूफ दिखा दूंगा कि मैं कहाँ से डाटा ले रहा हूँ, ठीक है। स्क्रीनशॉट अभी दिखा रहा हूँ इसको बता के। 17 जुलाई को पता चल रहा है कि 119 में से 89 पास हुए हैं, 30 को रीमेडिकल दिया है, और 18 जुलाई में से 119 में से 47 पास हुए हैं, ऐसा बात निकल के आ रहा है। ये भी रिजल्ट देने में 4 दिन लगा रहा है, पहला दिन डॉक्यूमेंट, दूसरा दिन आधार यूरिन, कुछ मेडिकल तीसरे दिन, और चौथे दिन रिजल्ट, इस तरह से चल रहा है, ठीक है। मैं आपको प्रूफ दिखा देता हूँ इस चीज़ का कि मैंने कहाँ से इस डेटा को बताया आपको, ठीक है। देखिए ये टेलीग्राम ग्रुप है जिसमें से लगभग 1000 बंदे जुड़े हुए हैं इसमें, इन्हीं में एक विनीत भाई हैं जिन्होंने कमेंट किया था कि अररिया में 100 में से 29 फिट हुए, 17 वाले का रिजल्ट आज दिया, मतलब 20 जून को दिया है, ठीक है। इस तरह से इनसे हमको जानकारी मिला है जो अब तक शेयर किए हैं हम। आप लोग भी थोड़ा जानकारी दे दिया कीजिए, जानकारी दे दीजिएगा तो थोड़ा हेल्प हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, हेल्प करिएगा, हेल्प करिएगा तो मेरिट बनेगा, याद रखिएगा, ठीक है। देखिए ग्रुप से ही किशनगंज के बारे में भी जानकारी मिला है, ठीक है। किशनगंज के बारे में ये जानकारी मिला है कि 18 तारीख वाला में 119 में से 47 पास किए, ठीक है। दिव्य प्रकाश जी ये बात को बताए थे हमको, तो मैं आप तक शेयर कर रहा हूँ। देखिए ये विजय भाई हैं जो मेडिकल फिट कर होकर आए हैं एसएसपी से, और इन्होंने बच्चों को बहुत मदद किया ग्रुप में, इनको बहुत रिप्लाई आया, लगभग ये बता रहे थे हमको कि 20-25 मैसेज आया जिसको मैं रिप्लाई कर रहा हूँ। ग्रुप में भी बहुत हेल्प किए और कॉल से भी जुड़ के बच्चों को बहुत मदद की है, तो ऐसे ही मदद कीजिए आप भी, आगे आइए मदद करने के। आप चाहते हैं कि हमको सब इंफॉर्मेशन मिले, आप खुद ही किसी को इंफॉर्मेशन नहीं देना चाहते हैं तो कैसे होगा, आपको इंफॉर्मेशन चाहिए तो कोई लड़का ही देगा ना, तो आप लड़के हैं, आप पास हो चुके हैं, तो आप इंफॉर्मेशन दीजिए लड़कों को, जुड़िए ग्रुप में, ग्रुप का मैंने चैटिंग ऑन कर दिया है, आप जुड़िए उसमें से लड़कों को बताइए, ठीक है, हेल्प करिए, ठीक है, हेल्प करिएगा एक दूसरे को तो अच्छा रहेगा, ठीक है। वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।